राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम विशाखापट्टनम बंदरगाह। स्कूल की लंबी छुट्टी पड़ने पर सोनू का मन समुद्री यात्रा पर निकलने का करता है, और क्यों ना हो, सोनू के चाचा जी कैप्टन अशोक मर्चेंट नेवी में कप्तान जो हैं। लेकिन आपको पता है कि आज इनका जहाज किस ओर जा रहा है? नहीं पता? तो चलिए हम आपको बताते हैं, आज इनका जहाज विशाखापट्टनम की ओर जा रहा है। चाचा जी, अब हम कहाँ पहुँचे हैं? सुनो बेटा, अभी हम मोसलीपट्टन काकीनाडा के पास हैं। पर हम तो विशाखापट्टनम जाने वाले थे। हाँ बेटा, लेकिन इससे पहले आंध्र प्रदेश के दो और छोटे छोटे पत्तन हैं। अच्छा, यानी मौसमीपट्टन और काकीनाडा। अच्छा बेटा, मौसमीपट्टन कृष्णा नदी के डेल्टा पर बना है। अच्छा। और दूसरा यानी काकीनाडा विशाखापट्टनम से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है। एक और बात, दूसरे विश्व युद्ध से पहले काकीनाडा एक विशाल और समृद्ध पोर्ट था। ओह। हाँ, यहाँ से खनिज तेल और पेट्रोल आयात किया जाता था, और हीसपेट, बिलारी, विजयवाड़ा जो आज कर्नाटक में है, यहाँ की खदानों से लौह अयस्क विदेशों को भेजा जाता था। अच्छा। फिर बेटा, विश्व युद्ध के बाद इस पोर्ट के काम में कुछ गिरावट आई। कुछ गिरावट आई मतलब बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हो गया। अच्छा। यहाँ से आयात निर्यात कम हो गया। ओह, ठीक है। अच्छा सोनू बेटा, हमारा जहाज ये देखो, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुंच गया। अरे वाह। ये भी आंध्र प्रदेश के तट पर है, जानते हो तुम सोनू? अच्छा बेटा, इसका निर्माण सन 1923 में आरंभ हुआ, और पहले काफी मात्रा में मिट्टी, गाद और रेत यहाँ से निकाली गई। यहाँ जहाज खड़े करने के लिए कई शेड बनाए गए। अच्छा। फिर सन 1933 में पहली बार ये पत्तन जहाजों के लिए खोला गया। और सन 1936 में इस पोर्ट का प्रबंधन केंद्रीय सरकार करने लगी। और हाँ बेटा, उसके बाद से तो विशाखापट्टनम बड़े बड़े पत्तनों की श्रेणी में आ गया। क्या बात है। हाँ, और आज ये आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये पूरे वर्ष खुला रहता है। तब तो फिर यहाँ जहाज लगातार आते जाते रहते होंगे। हाँ, इसका महत्व तो और भी बढ़ गया बेटा जब यहाँ शिपयार्ड यानी समुद्री जहाजों को बनाने का कारखाना शुरू हुआ। ओ। और तेल शोधक कारखाना भी यहाँ स्थापित हुआ। अच्छा, इसका मतलब विशाखापट्टनम बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है ना चाचा जी? हाँ बेटा। अच्छा, तुम जानती हो ये इतना महत्वपूर्ण बंदरगाह क्यों है? मैं बताता हूँ, यहाँ से जमशेदपुर, राउरकेला जैसे औद्योगिक क्षेत्र बहुत निकट हैं। अच्छा। और भारत के अधिकतर इस्पात के कारखाने इसी क्षेत्र में स्थित हैं, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में। और यहाँ मैंगनीज, लौह अयस्क और कोयले की बड़ी बड़ी खाने हैं। अच्छा। और तो और, चेन्नई कोलकाता रेलवे लाइन पर स्थित है ये बंदरगाह। अच्छा। इतना ही नहीं, इस बंदरगाह को एक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। और इसी बंदरगाह से हमारी नौसेना भारत के पूर्वी तट की रखवाली करती है। चाचा जी, आपने कहा कि यह सुरक्षित है, वो कैसे? मैं बताता हूँ, वो इसलिए बेटा कि ये पत्तन तीन ओर से जमीन या तट से घिरा हुआ है। अच्छा। इसीलिए ये सुरक्षित है। अरे चाचा जी, ये कौन से जहाज खड़े हैं? वो सामने,
वो बेटा, वो जहाज तो हमारी नौसेना के हैं। इतने बड़े जहाज? हाँ, इतने बड़े बड़े जहाज। बाप रे। जानते हो, इन जहाजों पर हवाई पट्टी भी होती है, जिसे अंग्रेजी में एयर स्ट्रिप कहा जाता है। इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं और उसी के ऊपर उतरते भी हैं। पानी के जहाज पर हवाई जहाज? देखो वो, देखो एक लड़ाकू विमान, वो देखो, वो देखो। अरे वाह। चाचा जी, ये आवाज किसकी है? बेटा, ये वो जगह है जहाँ समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। अच्छा। इन्हें शिप बिल्डिंग यार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शिप बिल्डिंग यार्ड्स। पर चाचा जी, विशाखापट्टनम में ही जहाज क्यों बनाए जाते हैं? लगता है समुद्री जहाजों में तुम्हारी रुचि काफी बढ़ गई है। आपके साथ जो हूँ। अच्छा तो ठीक है बेटा, अब तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। वो ये कि जहाज यहीं क्यों बनते हैं। तो भाई, इसके कई कारण हैं। देखो सुनो बेटा, विशाखापट्टनम की पृष्ठभूमि में राउरकेला, भिलाई और टाटानगर जैसे बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ से लोहे और इस्पात की मोटी व बड़ी बड़ी चादरें, बड़ी बड़ी मशीनें, इंजन, लकड़ी और जहाज निर्माण का सामान मिलता है। और क्या चाचा जी? और इस बंदरगाह क्षेत्र में काफी गहराई तक पानी मिलता है। अच्छा। जो जहाज निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरे, यहाँ पर कुशल श्रमिक भी मिलते हैं। ये पत्तन दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कोलकाता व चेन्नई से जुड़ा है। अच्छा। जहाज निर्माण से संबंधित मशीनें आसानी से मंगाई जा सकती हैं। और वहाँ क्या हो रहा है? वो वहाँ? हाँ। वहाँ जहाज की मरम्मत हो रही है। अच्छा। अभी सोनू और कैप्टन अशोक बात कर ही रहे थे कि कैप्टन अशोक को सूचना मिली कि समुद्री तूफान आने वाला है। बादल गरज रहे थे, समुद्र का पानी उमड़ रहा था। चलो सोनू बेटा, जल्दी चलो। मौसम विभाग ने अभी अभी सूचना दी है कि तूफान आने वाला है। चलो। अच्छा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। तूफान? कैसा तूफान? हमारा जहाज जहाँ खड़ा है, यहाँ अक्सर समुद्री तूफान आते हैं। अच्छा। चक्रवाती तूफान, यानी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर ऐसे तूफान अक्सर आया करते हैं बेटा। क्या ये हमेशा आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साल के कुछ महीनों में ये चक्रवाती तूफान अक्सर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में पूर्वी तट पर अधिक आते हैं। और इन चक्रवाती तूफानों से क्या होता है? बहुत हानि होती है, जान की भी और माल की भी। कभी कभी तो अनेक भवन टूट भी जाते हैं, नावें इधर उधर बह जाती हैं। ये तूफान बहुत भयंकर होता है। अरे। चक्रवाती तूफान कुछ साल पहले उड़ीसा के तटीय भागों में आया था। हाँ। वो इस सदी का बहुत ही भयानक तूफान था। जान माल की बहुत हानि हुई थी, बहुत क्षति हुई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था बेटा। पहले तो बहुत मछुआरों की जाने जाती थी ऐसे तूफानों में, पर अब मौसम की पूर्व सूचना के कारण मछुआरों को चेतावनी मिल जाती है कि वो समुद्र में न जाएं। इसलिए अब जान माल की रक्षा हो जाती है। चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम आओ मेरे पास। आओ। हाँ। आओ आओ आओ। मैं जहाज के चालकों को कुछ निर्देश देने जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी चलो। अरे डरने की कोई बात नहीं है, आओ मेरे साथ। Thank you very much.
तो, पर उसकी तीव्रता बहुत कम थी। एक बड़ा संकट टल गया। सब कुछ सामान्य होने पर सोनू अपने सवालों के साथ फिर अपने चाचा जी के पास आ गया और उनसे पूछा, अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि इस बंदरगाह से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? सोनू बेटा, यहाँ से ज्यादातर कोयला, लोहा, साइकिलें, कपड़े और तंबाकू का व्यापार होता है। अच्छा। और खास तौर पर पूर्वी एशिया के देशों को यहाँ से सामान भेजा जाता है। अरे ये आवाज कैसी है? ये तो रॉकेट की लग रही है। सुनो बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक टापू है। अच्छा। जिसका नाम है श्री हरिकोटा। क्या नाम है? श्री हरिकोटा। हाँ, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम यहीं से संचालित होता है। अच्छा। हमारी जितनी भी मिसाइलें और सैटेलाइट परीक्षण के लिए छोड़े जाते हैं ना, वो सब के सब श्री हरिकोटा से ही छोड़े जाते हैं। अच्छा, तो चाचा जी मुझे भी ले जाइए ना रॉकेट में। मैं भी चलूंगा। रॉकेट में जाओगे तुम? अरे अभी तो फिलहाल मेरे साथ समुद्री यात्रा पूरी कर लो। चाचा जी। पर अगर हिम्मत से काम लोगे तो एक दिन तुम रॉकेट में बैठ के भी जा सकते हो। हिम्मत नहीं हारना कभी। विशाखापट्टनम बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख माधवी मेनन, कलाकार बाबला कोचर, नीलम मलकानिया और रसज्ञ, ध्वन्यांकन चंदन सिंह तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।